जी हाँ, धरती के बीच एक ऐसा जगह भी मौजूद है जहाँ आपको चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे मिलेगा सिर्फ सांप। यहाँ मिलेगा नीला सांप, पीला सांप, हरा सांप, सांपों का झुंड, झुंडों का सांप, वो सब छोड़ो। आइए आज चलते हैं इलादा किमादा दी ग्रांदे पे, जिसे लोग प्यार से स्नेक आइलैंड भी बोलते हैं। प्यार से ये क्या बोल रहा हूँ भाई, तो आओ यार, अगर आपको भी इन मोहतरमा के जैसे सांपों को देख के कुछ कुछ होता है तो चलते हैं स्नेक आइलैंड पे। हाँ, ये रहा आज का वीडियो कंटेंट, बिल्कुल तड़कता भड़कता मसाला पैक करके लाया हूँ, बस आखिर तक बने रहना। मेरे को ना वैसे सांपों से कुछ खास लगाव नहीं है, तो थोड़ा दूरी बना के चलेंगे। स्नेक आइलैंड जो कि ब्राजील के साओ पाउलो कोस्ट से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है, कोई टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है, कोई लोग भी नहीं रहते। इधर हर एक स्क्वायर मीटर पे एक सांप मिलेगा, यानी हर 100 सेंटीमीटर बाद एक सांप देखने को मिलेगा। वो 15 सेंटीमीटर वाले प्लास्टिक के स्केल याद है ना, अरे वही जो ज्योमेट्री बॉक्स में आते थे। हाँ, अभी अंदाजा लगा लो 100 सेंटीमीटर कितना होता है। ये आइलैंड घर है करीब 2000 से 4000 गोल्डन लैंसेट पिट वाइपर स्नेक्स का, जो कि पृथ्वी का वन ऑफ द मोस्ट विनमस स्नेक्स में से एक है। ब्राजील में सांपों के काटने से जितने भी मौत होते हैं उनमें से 90% केसेस में मामूली लैंसेट वाइपर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन लैंसेट वाइपर्स का दूर का रिश्तेदार गोल्डन लैंसेट वाइपर्स का जहर करीब 5 गुना ज्यादा घातक होता है एक नॉर्मल लैंसेट वाइपर से। इसका जहर एक हट्टे कट्टे आदमी को एक घंटे के अंदर ऊपर पहुंचा सकता है, अगर समय रहते एंटीवेनम नहीं मिला तो। लेकिन एंटीवेनम लेने के बाद भी मौत का करीब 3% चांस रह जाता है। मगर ये गोल्डन लैंसेट वाइपर्स सिर्फ इधर स्नेक आइलैंड पे ही मिलते हैं, दैट्स अ रिलीफ। मगर इधर मौजूद सभी सांप जहरीला नहीं है। टिल डेट हमें 3600 सांपों की प्रजाति मिले हैं, उनमें से सिर्फ 600 प्रजाति जहरीला है और बाकी के 3000 प्रजाति नॉन विनमस है। उन 600 में से भी सिर्फ 200 प्रजाति इंसानों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। हाँ, इसके बाद अगर कभी सामने सांप दिखे तो डोंट पैनिक, देयर इज अ हाई चांस दैट द स्नेक माइट बी नॉन विनमस। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे जाके गले मिलो, वो सांप है, जहरीला हो सकता है, अपनी दूरी बना के चले। और वैसे भी सांप अक्सर इंसानों को काटते नहीं है, अगर उन्हें तंग ना किया जाए तो। मैं थोड़ा भटक गया, टॉपिक पे वापस आते। अभी के समय इधर कोई नहीं रहता, लेकिन 1909 से 1920 के बीच इधर कुछ लोग रहते थे। क्यों, कोई काम धंधा नहीं था क्या? नहीं यार, इधर एक लाइट हाउस है, उसको चलाना पड़ता है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये लाइट हाउस कीपर और उसके फैमिली बहुत चौकन्ने लोग थे, जो कि हर रोज सोने से पहले लाइट हाउस के हर एक खिड़की और दरवाजे को प्रॉपरली लॉक करके तभी सोते थे। लेकिन एक रात गलती से एक खिड़की खुला छूट गया, तो अब अंदाजा कर लो आगे क्या हुआ होगा। लेकिन ये सिर्फ कहानी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। अब इनके मौत के बाद इधर कोई नहीं रहता, सिर्फ ब्राजीलियन नेवी लाइट हाउस को मेंटेनेंस के लिए आते हैं, वो भी साल में सिर्फ एक बार। अब इस इंसिडेंट के बाद ब्राजील सरकार ने इस आइलैंड पे जाना बैन कर दिया, वैसे जा भी कौन रहा था। अरे यार, बोला था मेरे को नहीं आना इधर। देखो, अगर सांप देखने का मन करे तो जू घूम के आओ, इधर कौन आता है। हाँ, फिर भी अगर आपको जाना है तो ब्राजीलियन गवर्नमेंट का परमिशन और एक डॉक्टर इज अ मस्ट। कुछ लोग फिर भी आते हैं इधर, लेकिन सिर्फ सांपों पे रिसर्च करने, पिकनिक करने नहीं। और कुछ लोग इधर आते हैं गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना, लेकिन उनके इरादे ठीक नहीं होते। ये लोग हैं बायो पायरेट्स या फिर वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स, जिनका काम है गोल्डन लैंसेट वाइपर्स को किडनैप नहीं, पोच करके ब्लैक मार्केट में जाके बेचना। वेल, स्नेक विनम इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल टूल इन फार्मास्यूटिकल्स, यानी सांपों के जहर से बहुत से दवाइयां बनते हैं। कैप्टोप्रिल जैसे दवाइयों में पिट वाइपर्स का जहर इस्तेमाल होता है, जो कि हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स को ट्रीट कर सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, कुछ सांपों का विनम कैंसर जैसे बीमारी को भी ट्रीट करने में पोटेंशियल है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। गोल्डन लैंसेट का विनम कुछ हार्ट डिजीजेस, ब्लड क्लॉट, ब्लड सर्कुलेशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी को क्योर कर सकता है। एक तरफ जहां सांपों का जहर इंसानों की जान लेता है, तो दूसरी तरफ जान बचाता भी है।
Hence, there is a high demand but low supply. बहुत महंगे बिकते हैं ये सांप. Golden Lancet का 1 ग्राम वेनम can cost more than a gram of gold. According to legends, इस आइलैंड पे पायरेट्स ने खजाना छुपा के रखे हैं और उस खजाने को बचाने के लिए ही वो पायरेट्स इधर सांप छोड़ के गए थे. Come on, ये कहानी कौन ही विश्वास करेगा. फिर भी अगर सच में पायरेट्स इधर सांप छोड़ के जाते तो वो लोग खुद भी कभी बाद में खजाने तक नहीं पहुंच पाते. सांप पायरेट्स के रिश्तेदार थोड़ी है कि उनको छोड़ के सबको काटेंगे. ये रीजन थोड़ा अनसाइंटिफिक होगा मगर मसालेदार था. असली कारण इससे थोड़ा बोरिंग है लेकिन सच तो सच है ना. ये आइलैंड हमेशा से एक आइलैंड नहीं था. कभी ये द्वीप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से ही जुड़ा था, अलग नहीं था. लेकिन आज से करीब 11,000 साल पहले आखिरी आइस एज के बाद सी लेवल स्टार्टेड राइजिंग. फिर ये जगह समुद्र से चारों तरफ से घिर गया और एक आइलैंड बन गया. अब ये आइलैंड वैसे ही छोटा था और बाकी के कॉन्टिनेंट से अलग होने के बाद इधर सांपों का शिकार करने वाला जानवर कुछ ही रह गए थे. बस इसके बाद इधर सांपों का संख्या तेजी से बढ़ने लगी और हालात खराब होते रहे. सांपों का संख्या इतना बढ़ गया कि इधर अभी सिर्फ सांप ही मिलते हैं. बाकी के और जितने भी छोटे पशु पक्षी थे उन सभी का शिकार कर लिया गया. हालत इतना खराब है कि अभी इन सांपों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता. अब कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ते उड़ते आ जाते हैं कभी रेस्ट करने, उन्हीं से पेट भराना पड़ता है इनको. क्या करे, खाना ना मिलने की वजह से इधर कुछ सांप को मजबूरन दूसरे सांपों को खाना पड़ता है और ऐसे ही इधर सांपों की संख्या धीरे धीरे घट रही है. शायद आने वाले कुछ हजार सालों में इधर सांप भी ना मिले. आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसलिए तहे दिल से शुक्रिया. हाँ, सांपों के बारे में और इंटरेस्ट है तो हिंदी टीवी सीरियल्स देख सकते हो. उनमें सांपों के बारे में ऐसा इन्फो देते हैं ना जो खुद सांपों को भी नहीं पता. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स में लिखना. हम मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर.